इस प्रार्थना को करके यीशु वो अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। उस स्थान पर एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले गए। यहूदा उसका पकड़वाने वाला वो जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आया। यीशु वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था, तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा, वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था जब यीशु ने उससे कहा, वो मैं हूं, तो वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। उस दास का नाम था मलखुस। अपनी तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उससे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालक से कहकर पतरस को भीतर ले आया। कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी वहां जाकर उनके साथ आग तापने लगा। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया।
तब तक शमौन पतरस आग ताप रहा था। तब लोगों ने उससे पूछा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। पतरस ने इनकार किया। महायाजक का एक दास जो उसके कुटुंब से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोल उठा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी।